कैसे हो दोस्तों? दोस्तों कराची पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है और दुनिया के बड़े शहरों में से एक शहर है जिसकी आबादी लगभग 2-2.5 करोड़ के करीब है और कुछ गैर मुसद्दिका रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 करोड़ के लगभग भी है कराची। तो कराची में पूरे मुल्क से लोग रहने के लिए या काम करने के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सी पोर्ट भी है जहाँ से पाकिस्तान की इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होती है। तो कराची का एक इलाका है सदर जो कि बहुत मशहूर इलाका है कराची का और वहाँ पे बहुत सारे कारोबारी मराकज़ हैं, आप मार्केट्स हैं और दफातर हैं क्योंकि कराची का समझ सेंटर है बिल्कुल। तो उसके साथ साथ कराची में जो दूसरी सिटीज़ से या दूसरे सूबों से लोग आते भी हैं कराची में तो ज़्यादातर लोगों का जो लैंडिंग एरिया होता है वो सदर ही होता है क्योंकि वहाँ पे होटल्स हैं, ट्रांसपोर्ट्स जो इंटरसिटी या सिटी ट्रांसपोर्ट वगैरह आती है वो सदर में भी उनका एक जंक्शन है, एक पूरा उनका आप समझ लें एक अड्डा है। तो लोग आते हैं यहाँ, होटल्स वगैरह पे रहते हैं। तो सदर में किस्म किस्म के लोग हैं। अच्छा, वहाँ पे आप अगर जो एम्प्रेस मार्केट से टुवर्ड्स अब्दुल्ला हारून रोड साइड पे जा रहे हो तो वहाँ पे लाइन से दुकानें हैं, वहाँ पे तरह तरह के आपको ठग्स मिलेंगे, फ्रॉड मिलेंगे। उसमें जो एक तो आप देखेंगे कि जब आप फुटपाथी पे चल रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, कैमरा मोबाइल्स वगैरह जो इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स वगैरह हैं उनकी दुकानें हैं। तो उन्हीं के बीच में कुछ दुकानें ऐसी भी हैं आप देखेंगे कि वहाँ ऊपर बैठा एक बंदा माइक पे बात कर रहा होगा और वो नीचे 3-4 लोग खड़े होंगे इस तरह से करके। तो होता ये है कि ये लोग क्या करते हैं, बोली देते हैं कोई भी चीज़ और ये एक अजीब सी किस्म है फ्रॉड की। अच्छा, जो लोग कराची में रहते हैं यहाँ के या बहुत टाइम से कराची में हैं तो वो तो जानते हैं इनको कि यार ये एक किस्म का फ्रॉड है या लोगों को ठगने का एक तरीका है। होता यह है कि इनके अपने ही 3-4 लोग 5 लोग इनके वहाँ खड़े होते हैं और एक बंदा माइक पे जो अंदर बैठा होता है उसके सामने बहुत सारी चीज़ें टेप टेलीविज़न वगैरह और जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं वो आप समझ लें सॉर्ट ऑफ ऑक्शन वगैरह टाइप की कोई चीज़ होती है। तो अब जो सादा लोग आते हैं जो दूसरी सिटीज़ से आते हैं चूँकि उनको तजुर्बा नहीं होता कराची का इतना ज़्यादा, वो चीज़ों को नहीं जानते, सीधा लोग होते हैं शरीफ नफ्स लोग होते हैं। तो अब अगर कोई भी बंदा वहाँ पे खड़ा हो जाए तो वो उसको फंसा देते हैं, उसको फंसा के और फिर उनसे पैसे ऐंठते हैं। क्योंकि अगर कोई बंदा दूसरे शहर से आएगा, किसी भी काम से आया हो कराची में, शॉपिंग करने आया हो, कोई चीज़ खरीदने आया हो, जॉब के सिलसिले में आया हो या किसी अपने रिश्तेदार से किसी से मिलने आया हो तो अब जाहिर सी बात है वो अपने साथ कुछ रकम भी लेकर आते हैं, वो रकम भी लेकर आते हैं। तो इन जो इन बदमाशों को, इन चोरों को ये पता होता है कि भाई इनके पास पैसे तो होंगे, इसके पास पैसे तो लाजमी सी बात है इसके पास पैसे होंगे। तो वो इसी तरह से उनसे 2,000, 4,000, 6,000, 10,000, 15,000 तक भी उनसे लूट लेते हैं, उनसे ईंट लेते हैं। तो अब ये बेचारे लोग, ये सादा लोग होते हैं, ये परेशान, फिर ये मुसाफिर भाई दूसरी सिटी से आते हैं, ये कहते हैं कि यार अब हम कहाँ जाएँ क्या करें, और डर के हमारे पुलिस के पास नहीं जा रहे होते कि यार फिर वो एक अलग टेंशन पूरी एक वो इस फटीक में पड़ते ही नहीं, वो कहते हैं यार बस अपनी जान छुड़ाओ और चलो बस आगे, अपनी जान बचा के भागो। तो इस किस्म के ठग होते हैं। फिर आप अगर सदर में चल रहे हो आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, भाई मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं या फुटपाथ पर चल रहे हैं, भी अगर आप आपके बाल नहीं है वो आपका हुलिया देख के, मिसाल के तौर पर कि एक बंदे के बाल नहीं है, बाल जड़ गए तो उनको कहते हैं कि भाई ऐसी जड़ी बूटी हमारे पास, ऐसी एक चीज़ है कि आपके सारे बाल आ जाएंगे, आपके सारे बाल सही हो जाएंगे, आपकी जो जगह खाली है बाल की ये बाल पूरे हो जाएंगे। तो हमारे एक दोस्त थे, वो काफ़ी अच्छे दोस्त थे, शरीफुल नफ्स दोस्त थे, तो वो अंदरूनी सिंध से आए थे यहाँ कराची में पढ़ाई के लिए। तो वो उनको बेचारों को इसी तरह से फुटपाथ पे चलते हुए
तेल के नाम पे उनसे 3-3.5 हज़ार रुपये लूट लिए उनसे कि भाई तुम्हारे बाल आ जाएंगे इतने दिन में। एक ये चीज़ हो गई। फिर और बहुत सारे इनके पास गिमिक्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं कि भाई आपके आपकी मर्दाना कमज़ोरी अगर कोई देखते हैं, कोई बंदा बिल्कुल नहीं हिस्सा है उसका, बिल्कुल दुबला पतला है, तो उसको कि भाई आपको ऐसा कुश्ता बना के देंगे कि आपकी आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, आपके गाल बिल्कुल बिल्कुल रेड आपके गाल हो जाएंगे। तो ये लोग, इनके जो ज़्यादातर टारगेट होते हैं, इनके जो निशाना होते हैं, जितनी भी सराउंडिंग है, प्रेस मार्केट, लकी स्टार, आप उस तरफ चले जाएं तो आपका जो दूसरी तरफ एटीएम मॉल की साइड से आप चले जाएं, तो ये पूरा जो ये एरिया है, ये पूरी पट्टी है, यहाँ पे तरह तरह के ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो अपने निशाने ढूंढ रहे होते हैं, अपना शिकार ढूंढ रहे होते हैं। ख़ासकर जो दूसरे शहर से हमारे मेहमान आते हैं, जो लोग किसी भी काम से, किसी भी सिलसिले में कराची आए होते हैं, फिर उनका दिल भी ख़राब होता है कि यार ये अजीब लोग हैं, एक मेहमान एक सिटी आया। मैं अक्सर लाहौर गया हूँ या फैसलाबाद या पिंडी, तो वहाँ के लोग बहुत मिलनसार होते हैं, आपको वेलकम करते हैं। आप किसी भी काम से गए हो तो आपको बहुत अच्छे खंदा पेशानी से मिलते हैं। तो वे बहुत ही अनफॉर्चुनेटली है कि कुछ ऐसे बदमाश और बेज़मीर किस्म के लोग हैं कराची के अंदर, जिन्होंने शहर का नाम ख़राब किया है, और उनकी इन हरकतों की वजह से फिर लोगों के दिल भी ख़राब होते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप कराची में रहते हैं तो आप तो अवेयर होंगे इन चीज़ों से कि भाई तरह तरह के नौसरबाज, पहले तो उसी ज़माने में मशहूर होता था कि बनारस के ठग, जो बनारस में ठग होते थे, लोगों को ठगते थे, लोगों के पैसे हिंटते थे, उनके साज और सामान ठगते थे। तो अब इसी तरह की आप समझ लें, सदर में भी बहुत सारे ठग आ गए, जो सादा लोगों को, शरीफ लोगों को, जिनके वैसे ही इतनी महंगाई है सोसाइटी के अंदर, वैसे ही इतनी आप समझ लें मुश्किलात हैं लोगों को कि लोग किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं इस दौर में, फाइनेंशियल कंडीशन लोगों की वैसे ही अच्छी नहीं है, वो किस तरह से अपने आप को पाल रहे हैं। तो ऐसे उसमें लोगों को इस तरह से बेवकूफ़ बनाना, उनके पैसे हिंटना, उनके साथ इस तरह से करना ज़्यादती है, ना सिर्फ अपनी आप समझ चंद पैसों के लिए अपनी दुनिया भी ख़राब कर रहे हैं, बल्कि अपनी आखिरत को भी तबाह कर रहे हैं कि यार जो इंसान है, क्या पता उसके पास यही पैसे हों, वो 5-6 हज़ार रुपये सिर्फ वापसी का किराया लेकर आया हो किसी और सिटी से, कोई उम्मीद लेकर आया हो जॉब का, किसी भी चीज़ का, कि यार मैं मेरा ये काम हो जाए। अब उस बंदे को, उस गरीब को लूटने से, उसके पैसे ठगने से आप कितने दिन खा लोगे, 5 दिन 10 दिन हफ्ता? तो फिर ये लोगों को खुदा का खौफ भी नहीं होता कि यार हम ऐसे ना करें लोगों के साथ कि हमें, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, कल हम पर भी मुश्किल आ सकती है, क्योंकि मुश्किलात कहकर थोड़ी आती हैं, किसी पर भी आ सकती हैं। तो बस आपसे यही गुजारिश है दोस्तों कि जब भी कराची में आए तो सदर के ठगों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। शुक्रिया।